वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। जैसे मैं आप लोगों को पिछली वीडियो बताया था खालिद भाई की दुकान की, जो फीड शॉप की और कम्प्लीटली वहाँ पर भी बकरे भी है, होलसेल के अंदर वहाँ पर तुअर भूसा है और फल्ली का चारा है, ये होलसेल के अंदर है। जो लोग रिटेलर है यानी रिटेल करना चाह रहे हैं ईद के सीज़न के अंदर, तो उन लोगों के लिए बहुत शानदार चीज़ है। स्पेशली बकरों के साथ साथ बड़े भी जानवर बहुत शौक से खाते। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर विलायती बतलाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत तेज़ क्वालिटी। देखिए आप, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से खालिद भाई? खालिद भाई माशाल्लाह शेर को लेके फिर रहे हैं आप। जी भाई। क्या डिटेल है इसकी? कितने दांत पे? सिर्फ दो दांत पे है अभी। क्या वजन है? ये 80 केजी है ना उमर भाई। 80 केजी लाइव वेट है इसका? हाँ, 80 केजी लाइव वेट है। और स्पॉटलेस एकदम मार्बल सिंग में है, मार्बल खुर है इसके, बहुत बोल्ड कंडीशन के अंदर। फुल गुलाबी है उमर भाई, बहुत शानदार है, लेकिन गरम बोले तो गरम है। वालेकुम अस्सलाम। बनने देंगे अकेले? उमर भाई एक चीज से मिसाल दे रहा हूँ, ये पहाड़ों के गले में आता, देखो जी, ये पहाड़ों को जो डालते हैं जी जी, उनके गले में आता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह इसको टाइट बैठ रहा है, बहुत हेवी वेट है उमर भाई, बहुत शानदार। और आगे बढ़ने का बहुत चांसेस है अगर कोई पाल, यानी अगर कोई चार दांत वगैरह पे अगर तैयार करेंगे इसको तो बहुत अच्छा होता है, या वरना अभी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। बहुत खूबसूरत, और खोल के चेन पकड़ के तो टहला नहीं सकते इसको? नहीं, नहीं टहला सकते। क्या बात है, क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग? उमर भाई 42 में दे दूंगी अपन। 42,000 आसिंग प्राइस है, कम भी करेंगे आप या? नहीं नहीं उमर भाई 42 से कम नहीं। अच्छा 42,000 फिक्स प्राइस है, इसमें नेगोशिएबल नहीं रहेंगे? जी भाई। ठीक है, और भी है आपके पास? और भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये एक है जी भाई। दुकान पे भी आपके बकरे हैं जो कम प्राइस में है, जिसमें सानिन वगैरह भी है? दुकान पे आके ले सकते हैं, कम रेटों के। कहाँ पर है दुकान आपकी? मेरी मेन रोड बारकस, मेन रोड जो पीली दरगाह है, बारकस सलाला पीली दरगाह जी भाई। ओके, कई मलगियों में है। अच्छा, और दरगाह के ही मलगियों में है, देखिए आप लोग इजी मिल जाएंगे। और ये बकरा भी वहीं रहेंगे ना? हाँ इंशाल्लाह वहाँ पर ही रहेंगे, यानी रोड पे अवेलेबल है, अंदर तक आने की जरूरत नहीं है घर के पास। और नॉर्मली आप सिंह की यानी सिंह खींचने का, खुर कटिंग का भी काम करते, बाल भी निकालते बकरों के? मशीन कट से होता पूरा कम्प्लीटली, और होम विजिट भी करते ना? जी भाई होम विजिट है पूरा काम अपना। चलिए बहुत अच्छी बात। और इसके अलावा अपन जो सुअर भूसे का जो होलसेल करें ना, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अपने बहुत फायदा उठेंगे इससे। चने की गाड़ी भी आने वाली है आपके पास? कल चने की गाड़ी आ जाएगी, चने की गाड़ी भी कल मिल जाएगी, रिटेल होलसेल दोनों भी रहेगा, अच्छे कम प्राइस में देंगे अपन। यानी जो लोग रिसेलर है, छोटा मोटा अगर काम करना चाहते, जैसे चारा लोग घास ला के बेचते जी भाई, तो अभी आपके पास सूखा चारा भी लेके बेच सकते हैं, और इसमें जो फली का चारा है ये, यानी इसको घास डालने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट रहता है ना, जिससे जानवर अच्छा वेट गेन करते हैं, वेट गेन जबरदस्त होता है। और प्यास भी अच्छी लगती है, यानी ये टाइम पे पानी की यानी प्यास नहीं लगती बारिश के सीजन में, और वो खाने से प्यास लगती, पानी भी अच्छा पीता जानवर, बिल्कुल। चलिए मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा आप लोगों को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।